कुछ बच्चे भी आए हैं, क्या नाम है बेटा आपका? सौर शुक्ला। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या। अयोध्या से ही हैं। अच्छा लग रहा है अब? हाँ हाँ। अच्छा अयोध्या से हैं लेकिन पहली बार हनुमानगढ़ी जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आप अयोध्या को देखकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, पहले कैसा लगता था? बहुत अच्छा, पहले भी लगता था। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये श्रद्धालुओं का भाव है, भक्तों का भाव है और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर चल ही रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सिवान जिला बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्यम बरनवाल हुआ। सत्यम, ये बताइए कि पहली बार आप आए हैं या पहले आ चुके हैं? नहीं, पहले दो तीन बार आ चुका हूँ मैं। अच्छा, दो तीन बार आ चुके हैं। ये बताइए कि अयोध्या के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि अयोध्या को लेकर, चूँकि इसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है, पहले के मुकाबले अब में क्या फ़र्क आया आपके हिसाब से? पहले अयोध्या आने पर ऐसा लगता था कि जैसे बस नाम से हम लोग आते थे कि अयोध्या है, लेकिन अब आते हैं तो ये फील होता है कि हाँ भगवान राम यहाँ पे पैदा हुए हैं और ये हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये भी अनुभूति होती है कि ये हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। पहले आते थे बस एक मानना था कि हाँ अयोध्या है, जिस बाबरी मंदिर मस्जिद को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता था और आज भव्य राम लला का मंदिर बन रहा है जिससे हम लोगों में बहुत सारी उत्साह भरी हुई है। ये बताइए, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी बहुत, सियासत भी इस पर हो रही है, तमाम बयानबाजी हो रही है, अलग अलग टिप्पणियाँ की जा रही है, तो जब ये चीज़ आप लोग सुनते हैं और खासतौर पर जहाँ के आप रहने वाले हैं तो वहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन होता है? सियासत तो होनी ही थी, सियासत तो 400 वर्ष से हो रही है, लेकिन सियासत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन हर बुरा चीज़ का अंत होता है। एक बुरी सियासत की अंत हुई है और अच्छी राजनीति अब आज से और 22 जनवरी से शुरू होने वाली है। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपनी अपनी राय भी है और देखा जाए तो भक्ति भाव से हर कोई भरा हुआ है। भक्ति जी, हाँ जी जी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए, बोलिए, क्या नाम है आपका? पवन पांडे, जिला अध्यक्ष हिंदू साम्राज्य परिषद अयोध्या से। जी हाँ, बताइए। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जी और संजना गिहोत्री। ठीक है, मैं उस मुद्दे पर हम लोग आएंगे, लेकिन अभी चूंकि हम लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं, तो आपसे कभी और उस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। देखिए, एक और श्रद्धालु है, कहाँ से हैं आप? सर गोंडा से हैं। अच्छा, गोंडा से, तो आप तो बगल के जिले के हैं, अक्सर आते होंगे। जी जी। क्या माहौल है अभी आपके जिले? सर अयोध्या का बहुत अच्छा माहौल, जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने यूपी के, जैसे बहुत अच्छा माहौल हुआ यूपी का। इसके पहले तो कोई यहाँ पे कोई कुछ हुआ, कुछ कामें नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस ही ना अयोध्या में। हम तो अभी एक हफ्ता पहले भी आए थे और आज आए तो एक हफ्ते में इतना बदलाव हो गया, तो आगे पहले क्या बदलाव होगा? काम हुआ है, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। तो देखिए ये श्रद्धालुओं की राय है और देखा जाए तो अयोध्या की जो तस्वीर बदली है उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। जो लोग पहले आए और अब आए उन्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट में आपको ये दिखाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ना सिर्फ हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये देखिए कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं किस तरीके से राम ज्योति को लेकर आई हैं और इसी राम ज्योति से हर घर का कह सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, चूँकि इसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसी ज्योति से हर घर किस तरीके से रोशन होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तस्वीर है राममय होते हिंदुस्तान की। राम की भक्ति का जब रंग चढ़ता है तो कुछ ऐसा ही होता है, हर तरफ राम नाम की अलख जगती है। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले राम नाम की ज्योति से राम भक्त धन्य हो रहे हैं। राम ज्योति यात्रा जब वाराणसी पहुंची तो भव्य स्वागत हुआ। हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी राम ज्योति यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राम ज्योति को लेकर भारी उत्साह दिखा। ये राम ज्योति कई मायनों में खास है क्योंकि ये राम ज्योति वे मुस्लिम महिलाएं लाई हैं जो खुद को प्रभु श्री राम का वंशज मानती है। रामपथ की ओर से आयोजित राम ज्योति यात्रा का नेतृत्व मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजदीन अंसारी ने किया। राम ज्योति यात्रा वाराणसी से अयोध्या गई। अयोध्या में नाजदीन अंसारी और डॉक्टर नजमा परवीन को अयोध्या के महंत शंभु देवाचार्य ने राम ज्योति सौंपी। राम ज्योति अयोध्या से वाराणसी आई तो जगह जगह शानदार स्वागत किया गया। श्री राम के उद्घोष से पूरा शहर गूंज उठा। नाजदीन अंसारी ने सुभाष भवन पहुंचकर राम पंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी और मुस्लिम धर्म गुरु अफसर बाबा को राम ज्योति सौंपी,
जिसे दर्शन के लिए सुभाष भवन में रखा गया। श्रद्धालु यहां 21 जनवरी को राम ज्योति ले जाकर अपने घरों को रोशन कर सकेंगे। राम ज्योति अखंड ज्योति के रूप में 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक जलती रहेगी और ये ज्योति घर घर दी जाएगी ताकि लोगों के घरों में भी ज्योति राम ज्योति जलाई जा सके। अयोध्या धाम से आने वाली ज्योति राम ज्योति जो है वो दिलों में नफरत को मिटाकर मोहब्बत भरने का काम करेगी, क्योंकि ये ज्योति मुस्लिम परिवारों में भी जलाई जाएगी। 500 साल की तपस्या के बाद रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करोड़ों राम भक्तों का जोश हाई है। नाज़दीन का मानना है कि जिसने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया उसके पूर्वज श्री राम है। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो एक बहुत लंबे समय की तपस्या थी आज वो पूरी हुई। एक लंबे समय का वर्षों का इंतजार था वो आज पूरा हुआ और भगवान श्री राम को हम अपना पूर्वज मानते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति मजहब समुदाय पंथ विचारधारा को मानने वाला है, जो जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है वो उसके पूर्वज भगवान श्री राम है। नाज़दीन ने कट्टरपंथियों को भी करारा जवाब दिया। उनका मानना है कि राम ज्योति घरों को ही नहीं बल्कि लोगों की आत्मा को भी प्रकाशमान करेगी। पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों को ये संदेश है कि हम किसी भी प्रकार से बटने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया कहीं ना पहले पूर्व में कहीं ना कहीं सनातनी है और वो सनातनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश है कि अपनी कट्टरपंथीता की दुकान बंद करें, क्योंकि कट्टरता बहुत समय तक चलने वाली नहीं है, उदारता लंबे समय तक चलती है। इसलिए भगवान श्री राम उदार हैं और न्यायप्रिय हैं, दयालु हैं। काशी की रहने वाली नाज़दीन अंसारी को डॉक्टर नजमा परवीन पिछले 17 सालों से राम भक्ति में रमी है। जाहिर है भगवान राम सबके हैं, वे सनातनी संस्कृति के आदि पुरुष हैं। न्यायप्रिय प्रभु राजा राम हर हिंदुस्तानी के आदर्श हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है और राम के इस काज में मुस्लिम भी पीछे नहीं रहना चाहते।